सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, जब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लैंड में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उन पांच सबसे खतरनाक गेंदबाजों के बारे में वर्ल्ड कप 2019 में, जो सबसे ज्यादा विकेट लेंगे अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से और जीतेंगे वर्ल्ड कप 2019 का गोल्डन बॉल। दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी क्या है पूरा माजरा, वो कौन से पांच खिलाड़ी हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को स्पॉन्सर क्या है नॉनस्टॉप प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ ऐसी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपए बोनस में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2019 के पांच खतरनाक गेंदबाजों के बारे में, जो अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर अपनी टीम को जिता सकते हैं मैच और वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा विकेट छटका कर गोल्डन बॉल का दावेदार बन सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर 5 पर नाम आता है मिचेल स्टार्क का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक जबरदस्त तेज गेंदबाज हैं। जो कि मिचेल स्टार्क अभी तक 75 ओडीआई मैच खेल चुके हैं और इन 75 ओडीआई मैच में 145 विकेट छटका चुके हैं, जो कि 5 बार एक इनिंग में 5-5 विकेट भी छटका चुके हैं और इनका खौफ अभी भी बल्लेबाजों में काफी ज्यादा दिखाई देता है इनकी जबरदस्त गेंदबाजी को देखते हुए। ऐसे में मिचेल स्टार्क को वर्ल्ड कप 2019 में खतरनाक गेंदबाजी करके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं और जीत सकते हैं वर्ल्ड कप 2019 का गोल्डन बॉल। अब अगर हम बात करें चौथे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर 4 पर नाम आता है कुलदीप यादव, जो कि टीम इंडिया के एक जबरदस्त चाइना मैन स्पिनर हैं। जो कि कुलदीप यादव अभी तक टीम इंडिया की तरफ से 64 ओडीआई मैच खेल चुके हैं और इन 64 ओडीआई मैच में 102 विकेट छटका चुके हैं, जो कि एक इनिंग में 5 विकेट भी छटका चुके हैं। ऐसे में कुलदीप यादव वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम का तुरुक का इक्का साबित होने वाले हैं और अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान करके रख देते हैं। अब अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर 3 पर नाम आता है साउथ अफ्रीका के जबरदस्त तेज गेंदबाज कगिस रबादा, जो कि रबादा अभी तक 64 ओडीआई मैच खेल चुके हैं और इन 64 ओडीआई मैच में 102 विकेट छटका चुके हैं, जिनमें एक बार 5 विकेट भी छटका है अपने इस कैरियर में। और कगिस रबादा कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप 2019 के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक शुमार हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो नंबर 2 पर नाम आता है वर्ल्ड के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक राशिद खान का, जो कि राशिद खान अभी तक 58 ओडीआई मैच खेल चुके हैं और इन 58 ओडीआई मैच में 125 विकेट छटका चुके हैं, जो कि 5 विकेट 4 बार भी छटका चुके हैं एक एक इनिंग में। और राशिद खान एक ऐसे इकलौते गेंदबाज माने जाते हैं वर्ल्ड के, जिनसे हर एक बल्लेबाज कहीं ना कहीं खौफ खाता है और इनके गेंद खेलना काफी आसान नहीं होता, काफी ज्यादा मुश्किल होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं राशिद खान भी वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा विकेट छटका सकते हैं और गोल्डन बॉल जीत सकते हैं अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से। अब अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर नाम आता है टीम इंडिया के जबरदस्त तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का, जो कि इस टाइम पर नंबर 1 गेंदबाज माने जाते हैं वर्ल्ड के। जो कि जसप्रीत बुमराह 49 ओडीआई मैच खेल चुके हैं अभी तक टीम इंडिया की तरफ से और इन 49 ओडीआई मैच में 85 विकेट छटका चुके हैं, जो कि एक बार 5 विकेट भी छटका है अपने इस कैरियर में। तो गाइस, ये रहे पांच बड़े खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप 2019 में जबरदस्त गेंदबाजी करके गोल्डन बॉल जीत सकते हैं, सबसे ज्यादा विकेट छटका सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को मिलता है जो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट छटकाता है। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपनी राय जरूर दें। आपके हिसाब से वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो वर्ल्ड कप 2019 में गोल्डन बॉल जीतेगा अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से।